अपनाएंगे। सच में वही गुजरात मॉडल है जो जाम की स्थिति में गड्ढे करे हुए हैं। और जिन्हें भी लोगों से मिले हैं, जैसे आपने एक अच्छा सवाल किया, उसी तरह लोग यहाँ अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जो वस्तु स्थिति है, यहाँ का जो विकास है? विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है, गुजरात में भी कहाँ हुआ है, तो यहाँ हो गया। सर गठबंधन में क्या भूमिका रहेगी आपकी? हमारी कोई भूमिका नहीं रहती, हम तो बस लोगों से मिलते रहते, लोगों से बातचीत करते, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ की परिस्थिति क्या है उसको समझने का प्रयास करते। आज लखनऊ में प्रेस वार्ता है अखिलेश जी का, और खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। क्या होगा वाराणसी में, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने की? नहीं नहीं नहीं, हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। देखो, माँ गंगा दूसरों को बुला सकती है, तो हम यहाँ पर आए हैं हमारे लोगों से मिलने के लिए, और लोगों से मिलकर कुछ अच्छा करें इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। हार्दिक जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा आप किसको ने बोला? आप हमें ऐसी कोई सोच से नहीं, हमें अभी समस्या का समाधान ढूंढना है, इसीलिए घूम रहे हैं। देश में किसानों और युवाओं की सबसे ज्यादा परेशानी है। अगर युवाओं के पास शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, किसानों के पास फसल के सही दाम नहीं होगा, क्या होगा? अगर 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 कांग्रेस मौका देती है तो क्या आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के तैयार हैं? ऐसे कोई हमारा अभी प्लान नहीं है, अभी प्लान नहीं है, कोई प्लान। जिस तरह से बसपा और सपा की गठबंधन, क्या कहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा कि कांग्रेस से एकदम दूरी बना के रहेंगे। तो वो उनका यहाँ लोकल मामला है, प्रदेश का मामला है। अगर वो दोनों साथ इकट्ठे हुए हैं तो आशा रखते हैं कि प्रदेश के हितों के लिए और प्रदेश के अच्छे लोगों के लिए काम करेंगे। सर 2019 में हार्दिक पटेल किसको समर्थन देंगे अगर चुनाव चुनाव में? हम बहुत सत्ता के खिलाफ है, हर जगह अलग अलग मामला है, अलग अलग मामले के आधार पर हम चल रहे हैं, तो आशा रखते हैं कि हमें चलने दीजिए।